बहुत अच्छा लगा है शुरू से, लेकिन ये एपिसोड्स थोड़े से आई डोंट नो इतना वो मज़ा नहीं आया जितना पहले आ रहा था मुझे। वो ये कि बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे को भाग गई है, दे थिंक शी इज़ कमिटेड सुसाइड, छलांग मार दी है, मर गई है। फिर आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलता है कि वो शहर मूव करके कहीं जाके उसने पार्लर में काम शुरू कर दिया है, वहाँ पर जॉब ले लिया है, उसको मुश्किल वक्त हो रहा है उसका, सो शी इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी विद हर न्यू लाइफ। थोड़ा सा वो एक्सट्रीम पे भी जा रहा है, बिकॉज वाई वुड शी लीव अ स्मॉल चाइल्ड विद अ फादर हु डजंट इवन नो वेदर ही इज़ द फादर और नॉट, यू नो। ये थोड़ा सा एक मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो डीएनए टेस्ट करवा रहा है तो उसका मतलब है दैट ही इज़ क्वेश्चनिंग द पटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो उसमें यह कि फिर वो अब ऐसे बाप के साथ क्यों छोड़ के चली गई, समझ नहीं आई मुझे। नॉर्मली माएँ नहीं, वो जाती तो बच्चे को साथ ले जाती है ना, कि वो मैं भी जा रही हूँ, वो बच्चा भी जा, बट आई गेस उन्होंने एक ये पूरी कहानी बनानी थी कि उसने शायद छलांग मार के सुसाइड कमिट कर लिया, आई डोंट नो। और मुझे ये समझ नहीं है कि जब आप ऐसे डिसअपीयर होते हो तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बता देते हैं। हाँ, बिकॉज माँ बाप भी कितनी अजियत से गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं टॉर्चर। सो एनी वे, सो इट इज़ अ लिटिल ऑड एंड आई फेल्ट कि द एपिसोड वाज़ वेरी स्लो, सो फॉर मी इट वॉज वन थम्स अप। इट्स मूविंग ओके, शुरू में ये कहानी बहुत अच्छी थी, आई लव द स्क्रिप्ट बिकॉज उस पर इतनी इंटरेस्टिंग बातें की जा रही थी और कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे। अभी ये जो मोहे वाला कैरेक्टर वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो आई गेस इट्स जस्ट बिकम लाइक अ सिंगल ट्रैक, तो इट्स मे बी बिकम स्लो, तो कहानी कुछ स्लो सी हो गई है। वो ढूंढ रहे हैं प्रिडिक्टेबल, वो कहीं चली गई है, हमें तो नज़र आ रही है, तो शी इज़ नॉट कमिटेड सुसाइड ऑब्वियसली। I don't understand how she's left the child. So I think writing, I'll give it a 7. So not very impressive. Like मुझे थोड़ा सा मुझे वो impact नहीं आया जो आना चाहिए था. Even with discovering that she's still alive, वो भी impact नहीं आया. एक था अच्छा है, जिंदा है, कहीं काम कर रही है. एक अगर तो mystery create की थी तो mystery को unfold भी अच्छी तरीके से करना चाहिए था, I feel. You know, it was a little lackluster. और सलून खाली पड़ा है, कोई प्रोडक्ट नहीं रखी हुई, वो बाल भी उसके उससे क्या किए बालों को, वो खड़ा है कुछ वो कुछ तो डिटेलिंग में जाए, डिटेलिंग में मतलब वो आपको लग रहा है कि तो कहानी में बहुत बड़ा इशू है ना, लाइक कहानी में तो है। आई थिंक ही शुड हैव ओपनड हर और बिल्ट इट मे बी लिटिल मोर, मे बी आई डोंट नो, मे बी टू अब्रप्ट के एकदम से वो फिर हमें नज़र भी आ जाती है। कुछ मसला था, बिकॉज इतना वो हजम नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था हमें, यू नो। सो आई फेल्ट इट देयर वाज सम इशू, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड और इम्प्रेस्ड। आई विल गिव हिम अ 7. Seven. Very good job. Meena ji. 7 translates into very good job. Achha. Okay. Maybe. Yeah, of course, ye sare jumps the. Maa baap hi to dikhai. Ye, she was totally normal. Not only that, but the fact that, as Nadia said, ke how come she didn't know when they were searching for her and things. वो बाद में पता चला है, वो DNA का पता चला, उसके बाद पता चला, मेरा मतलब है कि where was she all the time when they were looking for her? So there was something odd. It was okay. I mean, she did one or two very good scenes in this, but otherwise, average. I would say I'll give her a 7. Seven. Very good job, Maya ji. Her expressions are excellent. Again, I think above average sort of work. Didn't leave an impact for me. Of course, everybody has a different opinion, but I didn't really get much of a emotional impact from his his character. आपको वो सीन याद है जो छत पे कर रहे थे लोग, हॉस्पिटल की छत पे, उधर उसके यहाँ पे सफेद क्या लगा हुआ था, ये पूरी जगह बहुत सफेद, इतना कंसीलर हो, अच्छा डोंट नो, मे बी लाइट वाला लग रहा था, बट ये है कि आई जस्ट फेल्ट के नॉट एज इम्पैक्टफुल एज इट कुड हैव बीन विद अ मोर सॉर्ट ऑफ इन डेप्थ परफॉर्मेंस। थोड़ी सी मुझे परफॉर्मेंस ठंडी लगी, ठंडी इज़ द वर्ड, यू नो, लाइक इट्स अ लिटिल टू कूल, देयर शुड हैव बीन मोर, आई मीन ही हैड सीन्स वेयर ही वाज वीपी एंड क्राइंग एंड ऑल, बट समहाउ इट डिडंट इम्पैक्ट मी फॉर सम ऑड रीजन, आई डोंट नो व्हाई, एंड इट्स अ पर्सनल ओपिनियन रियली, सो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7. 7, वेरी गुड जॉब मैना जी. आई थिंक हिज वीपिंग एंड ऑल फॉर मी, आई बिलीव्ड इट, आई बिलीव दैट ही वॉज मिसिंग हर, आई बिलीव दैट ही वॉज जेन्युइनली सॉरी फॉर व्हाट ही इज डन, ही वो जेन्युइनली फील कर रहा है कि मैंने गलती की है, मुझे वो फीलिंग आ रही थी. इट्स जस्ट दैट आई थिंक जो जिस तरीके से पूरा शूट हुआ हुआ है ना, उससे समहाउ द अदर अटेंशन वहाँ से हट रहा है, एक्टिंग से हट रहा है, हर चीज़ से हट रहा है ना, बिकॉज इट्स जस्ट somehow the timeline is off in these two episodes.
लेकिन आई थिंक जहाँ वो मिस कर रहा है उसको, जहाँ वो वॉइस नोट सुन रहा है, जहाँ वो गिल्ट फील कर रहा है, वो मुझे तो लगा कि आई वॉज़ फीलिंग दैट. एंड बेसिकली पूरे ड्रामे में यही था इन दो एपिसोड्स में. देर वॉज़ नथिंग एल्स, देर वॉज़ नो अदर परफॉर्मेंस एज सच. सो आई थिंक इफ आई हैव गिवन मावरा ए 7, तो ये आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7.5. Seven and a half. अच्छा, by the way, I would like to add, yeah, Alamdar is the actor who is performing as the police officer. He's done a good job here. I liked him in the role and all, and a nice change to see someone like Alamdar do this kind of character. Nadia. Dr. Numair, लोगों को बहुत पसंद है character. Ideal husband. क्योंकि मोहिब से comparison हो रहा था तब सबको बहुत अच्छे लग रहे थे. फिर उसके बाद इन्होंने भी दिल तोड़ा. एक दूसरी साइड दिखाई कि ठीक है, अभी जो हाथ से नहीं मार रहा वो अपने ज़ुबान से या अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से भी मार सकता है और उतना ही गम दे सकता है. तो बल्कि इतना ज़्यादा कि शी ट्राइड टू किल हरसेल्फ एंड शी इज़ रन अवे फ्रॉम होम. तो ये लोगों के लिए, फैंस के लिए शौक तो था, लेकिन ये कि अब जो उसका मिस करना बाकी अच्छा, जो वो मोटे मोटे आंसुओं से रोया है ना उस्मान का, बहुत अच्छा. खास तौर पर मैसेजेस सुनने वाला सीन एंड दैट टच, क्योंकि आप किस तरह दिखाएंगे कि आप मिस कर रहे हैं, आप खड़े हुए हैं, आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, यही नॉर्मल तरीका है. लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट किया कि फ़ोन निकाला, उसकी आवाज़ सुनी, उसके मैसेजेस सुने और उसको हुआ देखो मैं इंतज़ार करती रहती थी, मिस करती थी, मुझे बुलाती थी और उसका रोना. फिर वो मैसेजेस मेरे ख्याल भेज भी रहा है, उसको डिलीवर तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये कि ब्यूटिफुल. और ऐसे लोग करते हैं, जो लोग चले गए उनके मैसेजेस सुनते हैं और फिर खुद भी उनको मैसेज भेजते हैं, तो काफ़ी लोगों ने इससे रिलेट किया होगा. हाउएवर, अगर ये आपने समझा कि मैं पूरे सीक्वेंस में एक शर्ट पहनूं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है. क्योंकि अगर आप टाइम लैप्स दिखा रहे हैं इतने दिनों का, तो आपको कपड़े बदलने चाहिए. नॉट मे बी फॉर एवरी सीन कि ठीक है वो 3 वीक्स तो चल रहा है या कुछ दिन, लेकिन आप हाँ थीम वही रखते हैं, मूड वही रखते हैं, लेकिन चेंज करते हैं शर्ट. तो वो लग रहा था कि एक ही सीन में, एक ही दिन में सारे हम रावल डैम के सीन कर लें, रावल डैम था रावल लेक, हाँ सारे एक ही दिन में मुकाओ. तो वहाँ थोड़ा लेजीनेस हो गई, लोग नोट करते हैं. बट आई होप आगे, आई होप कि उसका वो शर्मिंदा सॉरी लग रहा है. आई गिव हिम एन 8 स्टिल. 8 टोटल वोट जी कास्ट हुए, मेल कैटेगरी में 25,400 हुए हैं और जफा से उस्मान मुख्तार के हिस्से में आए 1,816, 7% बनते हैं 0.7, यानी कि मावरा के हिस्से में ज़्यादा आए, वहाँ 5,000 थे और यहाँ पे 1,000. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट वॉट वुड हैव बीन ग्रेट कि ये आपने इतना बड़ा ड्रामा किया कि शी इज़ कमिटेड सुसाइड, कमिट देन वी शुड नॉट हैव सीन हर टिल द डे दे गेटिंग मैरिड एंड तब उसकी एंट्री होती ना. That would have made an they impact. They revealed her too quickly. I mean, they've killed the whole. लेकिन उसका गायब होना ही नहीं justify हो रहा.